कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। तो टाइप बताने से पहले ये प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है थोड़ा सा इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। As we know, protocol is nothing but set of rules. जैसा कि हम जानते हैं set of rules ही protocol कहलाता है। जिस तरह से किसी भी काम को करने के लिए set of rules होता है उसी तरह से computer system में भी कुछ भी काम अगर हम करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे set of rules होते हैं, वही काम करते हैं उसी को बोलते हैं protocol। अगर आप protocol के बारे में detail में जानना चाहते हैं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ protocol के ऊपर एक separate video बना दिया था पहले ही, आप उसे देख लीजिएगा। आज का हमारा main topic रहेगा टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का टाइप क्या होता है? पहला होता है TCP/IP प्रोटोकॉल। तो TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है, इसका पूरा नेम क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, चलिए जान लेते हैं। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वेयर एज IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें दो प्रोटोकॉल है, पहला हो गया TCP, सेकेंड हो गया IP। ये दोनों मिल के साथ में काम करता है, ठीक है, इसीलिए बन गया TCP/IP प्रोटोकॉल। TCP is used to transfer the data over the internet. It divides the data into small packets and send it to the destination through the network. TCP protocol क्या करता है, data को network के जरिए transfer करता है, ठीक है। लेकिन data transfer करने से पहले ये data को छोटे छोटे packets में पहले divide करता है, उसके बाद ये नेटवर्क के जरिए डेटा को इंटरनेट के माध्यम से क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है फाइनल डेस्टिनेशन में। तो अभी हम जिस भी डेस्टिनेशन मशीन में डेटा भेजना चाहते हैं उसी मशीन में जाके डेटा क्यों रिसीव होता है, किसी दूसरे मशीन में क्यों नहीं चला जाता डेटा, क्योंकि यहाँ पे IP भी है, ठीक है। IP क्या करता है, TCP/IP। IP का काम क्या होता है, वाइल IP इज़ यूज्ड फॉर एड्रेसिंग थ्रू विच डेटा रीचेज द फाइनल डेस्टिनेशन। ये जो IP है ना, IP एड्रेस, ये क्या करता है, एड्रेसिंग का काम करता है। जिस भी डेस्टिनेशन मशीन में हम डेटा या फिर जिस भी डेस्टिनेशन नेटवर्क में हम डेटा भेजते हैं उसका ये एड्रेस निकाल लेता है, उसके बाद उसी एड्रेस में ये डेटा को क्या करता है, पहुँचा देता है। यही काम होता है TCP/IP प्रोटोकॉल का। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू ये एक सिस्टम है और यहाँ पर भी एक सिस्टम है, ठीक है। मान लो ये सिस्टम किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये पूरा एक नेटवर्क है। अगर मान लो यहाँ से हम कुछ डेटा भेजेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा इस सिस्टम को और इस नेटवर्क के साथ। कनेक्शन इस्टेब्लिश कौन करेगा, TCP प्रोटोकॉल, ठीक है। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, डेटा छोटे छोटे पैकेट में क्या होगा, डिवाइड होगा। मान लो यहाँ पे हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम डेटा ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो DATA इस तरह से छोटे छोटे पैकेट में, ये अलग अलग पैकेट में डिवाइड होगा और डेस्टिनेशन तक ये पहुँचेगा रिसीवर के पास। तो रिसीवर के पास ये डेटा कैसे पहुँच जा रहा, मान लो इस नेटवर्क में तीन सिस्टम कनेक्टेड है, मुझे पर्टिकुलर इसमें डेटा भेजना है, तो क्या करेगा, IP जो है ना इस सिस्टम का एड्रेस निकाल लेगा और ये डेटा इसी एड्रेस, इसी सिस्टम के एड्रेस में पहुंचाएगा, इन दोनों के पास नहीं आएगा। फिर बाद में ये चाहे तो इन दोनों के साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। तो यही होता है TCP/IP प्रोटोकॉल का काम, कनेक्शन इस्टेब्लिश करके डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके ट्रांसफ़र करना, उसके बाद जब डेटा पहुँच जाता है डेस्टिनेशन के पास तो कनेक्शन को क्या करना, बंद कर लेना, टर्मिनेट कर देना, कनेक्शन को काट देना। यही सिंपल सा यूज़ होता है TCP/IP प्रोटोकॉल का। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपको क्या बता देता हूँ TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में। ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल है सबसे बेसिक प्रोटोकॉल होता है सभी प्रोटोकॉल्स में से, और जितने भी लगभग प्रोटोकॉल हैं दूसरे हैं वो सभी TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। जहाँ भी कनेक्शन और ट्रांसफरिंग का बात होगा वहाँ पर TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक प्रोटोकॉल होता है, इसका यही काम होता है। अब हम आपको बताते हैं HTTP प्रोटोकॉल के बारे में कि ये क्या होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल में से एक है, ठीक है। HTTP इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट इज़ यूज्ड इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउज़र बिफोर www। HTTP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो कि ब्राउज़र के एड्रेस बार में यूज़ किया जाता है, www के पहले ये होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है,
whenever we search anything in the address bar of browser, so it brings that website in front of us. जब भी हम कुछ भी ब्राउज़र के सर्च इंजन में मतलब एड्रेस बार में कुछ भी सर्च करते हैं ब्राउज़र के एड्रेस बार में, तो उससे रिलेटेड कंटेंट, उससे रिलेटेड वेबसाइट या फिर वीडियोस जो भी होते हैं वो हमारे सामने कैसे आ जाता है, उसको लाने का काम करता है ये HTTP प्रोटोकॉल। इसका एक ही काम होता है, जो भी क्लाइंट है जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करना, सर्वर से उसे उठाना और क्लाइंट के पास ला के रख देना। जैसे अगर मान लो हम कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट का नेम अगर हम लिखते हैं UIDAI, तो ये वेबसाइट हमारे सामने कैसे आ जाती है, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट करा कि ये वेबसाइट हमें चाहिए, इसमें हमें काम करना है। तो HTTP प्रोटोकॉल क्या करेगा, सर्वर से इस वेबसाइट का होम पेज लाएगा और हमारे सिस्टम में ला के रख देगा। इसका एक ही काम होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं ब्राउजर के एड्रेस बार में, तो उससे रिलेटेड कंटेंट हमारे सामने जो आता है HTTP कैसे उसको लाता है, ठीक है। इसी एड्रेस बार में क्या करना होता है, हमें कुछ भी सर्च करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ UIDAI और मैंने क्या किया, एंटर मारा, तो अभी देखो UIDAI का वेबसाइट जो है उसका होम पेज हमारे सामने आ चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये वेबसाइट जो ओपन हुई है, ये किसकी वजह से ओपन हुए, HTTPS प्रोटोकॉल की वजह से। आप देख सकते हो यहाँ पे इस वेबसाइट के नेम के पहले क्या लिखा हुआ है, HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, S का मतलब सिक्योरिटी, ठीक है। अगर HTTP में सिक्योरिटी ऐड कर दे HTTPS बन जाता है। तो इसको हम क्लिक करते हैं, तो इसका सिक्योरिटी का पता आपको यहीं से चल सकता है। यहाँ पे देखो एक ताला का निशान है इस वेबसाइट के जस्ट पहले, मतलब ये पूरी तरह से सिक्योर्ड वेबसाइट है। तो हम जो भी कंटेंट ब्राउज़र के एड्रेस बार में यहाँ पर सर्च करते हैं, वो कॉन्टेंट हमारे सामने हमारे सिस्टम में HTTPS प्रोटोकॉल की वजह से ही आता है। थर्ड हो गया हमारा FTP प्रोटोकॉल। FTP का मतलब क्या होता है, FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका पूरा नेम हो गया, इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द फाइल फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। FTP का पूरा नाम हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या फिर सर्वर मशीन से क्लाइंट मशीन में ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, FTP प्रोटोकॉल। तो ये दो काम करता है। सबसे पहले इट यूजेस द TCP/IP प्रोटोकॉल टू इनेबल डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफरिंग के लिए ये TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। तो सबसे पहले TCP की मदद से ये क्या करता है, सर्वर और क्लाइंट के बीच कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद जो भी फाइल ट्रांसफ़र करनी होती है, ये क्या करता है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में IP की मदद से फाइल को ट्रांसफ़र कर देता है। क्योंकि अगर हम सर्वर से क्लाइंट में फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब हमें इंटरनेट चाहिए होगा, ठीक है, तभी तो हम कर पाएंगे। तो ये काम होता है FTP प्रोटोकॉल का। SMTP प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, यूज़ क्या है। SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसा कि इसका नाम से ही पता चल गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव द ईमेल्स इन द नेटवर्क। अगर आपको किसी को मेल सेंड करना है या फिर रिसीव करना है, तो आप ये जो भी कर पाएंगे ये SMTP प्रोटोकॉल की मदद से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेल सेंड और रिसीव जब हम करेंगे, जाहिर सा बात है हम नेटवर्क से जुड़े होंगे, तभी तो होगा, ठीक है। देयर आर टू मोर प्रोटोकॉल यूजेस विथ SMTP प्रोटोकॉल। वो क्या होता है, पॉप और IMAP। पॉप और IMAP प्रोटोकॉल क्या करते हैं, सर्वर से मेल उठा के रिसीवर के पास पहुँचाने का काम करते हैं। आगे हम इनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। All these protocols work with the help of TCP/IP protocol. देखो ये जो SMTP है, ये जो POP और IMAP है, ये तीनों प्रोटोकॉल जो काम करते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल की मदद से ही ये काम करते हैं। अगर TCP/IP प्रोटोकॉल नहीं होगा तो ये अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था TCP/IP का काम क्या होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, उसके बाद जो भी डेटा आपको ट्रांसफ़र करना है उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले अगर हम किसी को मेल भेजेंगे तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद मेल ट्रांसफ़र होगा। तो जहाँ भी कनेक्शन और ट्रांसफरिंग का बात होगा, वहाँ पे ये TCP/IP प्रोटोकॉल रहेगा। इसीलिए सबसे बेसिक प्रोटोकॉल होता है सभी प्रोटोकॉल्स में से। तो मान लो ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, सेंडर ने कुछ मेल सेंड करा तो रिसीवर के पास वो मेल डायरेक्टली नहीं जाता, वो सबसे पहले यहाँ कहीं पर सर्वर में आता है,
फिर सर्वर से वो मेल रिसीवर के पास पहुंचता है। तो यही सर्वर के पास ही पॉप और आईमैप प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, पहले पॉप यूज़ किया जाता था, अब आईमैप यूज़ किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए पॉप और आईमैप के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। पॉप क्या होता है, पॉप स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इट इज़ अ मेल बॉक्स, ये एक मेल बॉक्स है विच इज एक्चुअली या मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसे आप मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, थ्रू विच अ यूज़र कैन फेच द ईमेल फ्रॉम द सर्वर। पॉप का यूज़ करके यूज़र क्या कर सकता है, सर्वर से अपने ईमेल को फेच कर सकता है, यानी मंगा सकता है सर्वर से। पॉप प्रोटोकॉल वर्क्स अपॉन TCP/IP प्रोटोकॉल के साथ ये काम करता है एंड हेल्प्स द SMTP प्रोटोकॉल फ्रॉम एंड टू एंड कम्युनिकेशन। और SMTP प्रोटोकॉल की ये मदद करता है सेंडर से रिसीवर तक ईमेल पहुंचाने में, यही हेल्प करता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ताकि एंड टू एंड कम्युनिकेशन सेंडर रिसीवर के बीच बना रहे। जैसे यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, सबसे पहले हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे देते हैं। अगर हम कोई पोस्ट किसी को भेजते हैं तो वो डायरेक्ट रिसीवर के पास नहीं पहुंचता, सबसे पहले वो पोस्ट ऑफिस में जाता है, फिर पोस्टमैन क्या करता है वहां से पोस्ट उठाता है और रिसीवर के पास पहुंचाता है। तो जैसे ही पोस्टमैन ने रिसीवर को पोस्ट दे दिया, फाइनल पोस्ट रिसीवर के पास चला गया, पोस्ट ऑफिस में कोई भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अगर कोई मेल हम यहाँ से सेंड करते हैं तो ये मेल पहले जाके सर्वर में यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, अब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है, सर्वर से इस मेल को उठा के रिसीवर के पास पहुँचाता है। तो जैसे ही पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सर्वर से मेल उठा के रिसीवर के पास यहाँ पे ला के दे दिया, तो यहाँ से जो मेल की कॉपी थी वो डिलीट हो चुकी है, अभी फाइनल कॉपी सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के पास ही है। मतलब अगर रिसीवर कुछ डिलीट कर देता तो इसे बैकअप सर्वर से नहीं मिल सकता। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यही डिसएडवांटेज था, इसी वजह से आईमैप प्रोटोकॉल को लाया गया। ठीक है, इसमें जो कॉपी होता है डुप्लीकेट कॉपी, वो सर्वर से डिलीट हो जाता है। तो मेल सेंडिंग और रिसीविंग के पूरे काम में पूरा काम होता है SMTP प्रोटोकॉल का, लेकिन SMTP प्रोटोकॉल का हेल्प कौन करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्योंकि मेल पहले सर्वर में जाता फिर सर्वर से रिसीवर के पास आता है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मेल को उठा के रिसीवर को देने का काम करता है। आईमैप क्या होता है, आईमैप स्टैंड फॉर इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज़ आल्सो अ मेल बॉक्स, ये भी एक मेल बॉक्स है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की तरह, विच इज एक्चुअली एन इम्प्रूवमेंट वर्जन ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का आप बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट वर्जन, यानी अपडेट वर्जन होता है ये आईमैप। इसका काम क्या होता है, By using IMAP, the main advantage is we can retrieve our deleted email from the server. मान लो हम किसी को मेल भेज रहे हैं, ठीक है, तो मेल अगर हम कुछ भी सेंडर भेजते हैं, सबसे पहले वो सर्वर में जाता है, आपको भी पता है, उसके बाद सर्वर से वो रिसीवर के पास मेल पहुंचता है, तो यहाँ पे IMAP प्रोटोकॉल काम करता है। तो अगर IMAP प्रोटोकॉल यूज़ होता है तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि मान लो मेल सर्वर में आया, सर्वर से IMAP ने उठा के रिसीवर को मेल यहाँ पे दे दिया, तो अभी मेल का एक कॉपी रिसीवर के पास भी है और इस सर्वर में भी अवेलेबल है। अगर मान लो इसने मेल का जो कॉपी रिसीव किया वो डिलीट कर दिया इसने, तो ये क्या कर सकता है, सर्वर से बैकअप को ले सकता है, सर्वर से ये मंगा सकता है, क्योंकि एक डुप्लीकेट कॉपी सर्वर में भी अवेलेबल होता है। तो ये एडवांटेज होता है IMAP प्रोटोकॉल का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के मुकाबले। ठीक है, इसका यूज़ उन सभी यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा होता है जो अपने ईमेल्स को एक से अधिक डिवाइस में यूज़ करते हैं। ठीक है, उन सभी यूज़र्स के लिए IMAP प्रोटोकॉल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और मेल एक जगह से दूसरी जगह सेंडिंग और रिसीविंग में मेन काम होता है SMTP का, इसकी मदद करता है IMAP प्रोटोकॉल सर्वर से रिसीवर के पास मेल को पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसका ज़रूरत वहां पे ज़्यादा पड़ जाता है। मान लो मैं एक यूज़र हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन खो गया, ठीक है, अब मैंने नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, उसमें मैं जैसे ही अपने ईमेल अकाउंट को लॉगिन करूँगा, उससे क्या होगा कि सर्वर से जितने भी मेरे ईमेल्स थे वो मुझे रिट्रीव हो जाएंगे। तो वो कैसे रिट्रीव हो जा रहे हैं, इस IMAP की मदद से, क्योंकि IMAP क्या करता है, एक कॉपी सर्वर में भी रखता है, एक रिसीवर के पास भी भेजता है। तो मेरा फ़ोन खो गया तो ये वाला ईमेल तो मान लो मैंने खो दिया, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे सिस्टम में लॉगिन करूँगा अपने अकाउंट को, सर्वर से फिर से मुझे क्या होगा, सारा मेल रिसीव हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है IMAP प्रोटोकॉल का। अब हम आपको PPP के बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है।
PPP स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पूरा नाम होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस। ये क्या करता है, दो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस के बीच में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। ये रहा एक डिवाइस और ये सेकेंड डिवाइस, ये दो डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से और इनके बीच जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा वो PPP की मदद से होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही डिवाइस हैं, कोई तीसरा डिवाइस नहीं है, ये एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, मान लो ये एक रस्सी है, एक सिरा मैंने पकड़ा, एक आपने पकड़ा। अगर मान लो मैं आपको टानूंगा तो आप मेरी तरफ खींचे चलो आगे, या फिर आप मुझे खींचोगे रस्सी की मदद से तो मैं आपकी तरफ चला जाऊंगा। ठीक है, एक पॉइंट को मैंने पकड़ा, एक पॉइंट को आपने पकड़ा, हम डायरेक्टली रस्सी से कनेक्टेड हैं। सेम वही काम यहाँ पे भी हो रहा है, दो डिवाइस डायरेक्ट कनेक्टेड है बिना किसी तीसरे डिवाइस की मदद से। ठीक है, और इनके बीच अगर डेटा ट्रांसफ़र होता है तो ये PPP की मदद से होता है। UDP क्या होता है, UDP स्टैंड फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इट इज़ एन अनरिलायबल एंड कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। ध्यान से इन दोनों वर्ड को देखना, अनरिलायबल कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। सो इन ऑर्डर टू सेंड द डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन वी डिड नॉट इस्टेब्लिश एनी कनेक्शन इन कंपेयर टू TCP/IP प्रोटोकॉल। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र होता है तो हम TCP/IP की मदद से सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, फिर डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन UDP क्या करता है, बिना कनेक्शन इस्टेब्लिश किए हुए डेटा को ट्रांसफ़र करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, इसीलिए कनेक्शनलेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द डेटा इन अ शॉर्ट डिस्टेंस। मान लो इस डिवाइस को, इसको डेटा को सेंड करना है, डिस्टेंस काफ़ी कम है, काफ़ी कम डिस्टेंस है, मान लो 1 मीटर से भी कम, काफ़ी कम डिस्टेंस है। ठीक है, तब डेटा आप UDP की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अभी आप कहेंगे कि डेटा ट्रांसफ़र होगा कैसे, UDP जो प्रोटोकॉल होता है वो ना IP सर्विस यूज़ करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। IP सर्विस की मदद से ये डिवाइस क्या करता है, इसके एड्रेस में डेटा ट्रांसफ़र कर देता है बिना कनेक्शन इस्टेब्लिश किए हुए। डिस्टेंस की अगर बात करें तो ज़रूरी नहीं कि 1 मीटर से कम ही होगा, शॉर्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस काफ़ी कम होगा, लेस देन 10 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होगा, ये डिवाइस एक दूसरे के पास में ही रहेंगे। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, किसी भी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर पूछा जाता है MCQ के क्वेश्चन में। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है 21। ठीक है, ये 21 पोर्ट नंबर पे काम करता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 25 होता है, ये 25 पोर्ट पे काम करता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये क्या करता है, 110 पोर्ट नंबर पे काम करता है। और हमारा फोर्थ हो गया IMAP। IMAP मतलब इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर 143 होता है। ठीक है, फिफ्थ हो गया हमारा HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर 80 होता है, ये 80 पोर्ट पे काम करता है। सिक्स्थ हो गया HTTPS, HTTPS का ही सिक्योर्ड वर्जन है, इसमें सिक्योरिटी को ऐड किया गया है, एस सिक्योरिटी को दिखाता है। ठीक है, इसका पोर्ट नंबर होता है 443। आज के टाइम पे HTTP की जगह पे HTTPS यूज होता है, क्योंकि ये हमें सिक्योरिटी भी देता है। इसका भी काम सेम होता है, किसी भी सर्च किए गए वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार में कंटेंट को हमारे सामने ला के रख देना।